मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर राजकीय महाविद्यालय भीम जिला राजसमंद से आज आपको लोक प्रशासन में सेकंड ईयर का पेपर वन कार्यपालिका के कार्य बस समझाऊंगा और कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्तियों का कारण भी समझाऊंगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कार्यपालक के प्रतिमान प्रकार, कल हमने पढ़े थे और आज हम इसी कड़ी में कार्यपालक का चैप्टर पूरा करेंगे, कार्यपालक का विषय को पूरा करेंगे और पूरी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्य क्या है कार्यपालक के। तो जो कार्यपालक के कार्य हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर था उसमें आपको समझाया गया था पोस्ट कोर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि योजना बनाना, कर्मचारी भर्ती करना, संगठन बनाना, निर्देश देना, रिपोर्टिंग करना, प्रतिवेदन लेना, बजट बनाना, ये सारे के सारे कार्य आपके एग्जीक्यूटिव्स के थे। और यही एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालक है उसके मेन कार्य यही हैं, कार्यों में विशेष बदलाव नहीं है। लेकिन जब हम वृहद रूप में बात करते हैं जैसे कि अभी बात कर रहे हैं तो इसमें कार्यों का भी सिस्टम बदल जाता है। कारण क्या है कि ये जो कार्यपालक हैं ये किसी प्राइवेट कंपनी के एक छोटे कार्यपालक नहीं है, ये है देश को चलाने वाले कार्यपालक जो कि आप प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, जो आपके मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जिस प्रकार से कार्यपालक चलाते हैं उनकी भी हम कार्यों को इसमें सम्मिलित करते हुए इसका एक वृहद कार्यों का विवेचन कर रहे हैं। तो कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो रहा है और कार्यपालिका सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका उसके मीनिंग में आता है सरकार है, सरकार का पर्यायवाची बन गया है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। और व्यवस्थापिका के यदि इसको संदर्भ में देखें तो एग्जीक्यूटिव यानी कि वो कार्यपालक जो कि चुन के आए हुए हैं, जो अपनी सरकार बनाते हैं और जो सरकार चलाते हैं, जो मंत्री प्रधानमंत्री आदि बनते हैं वे कार्यपालक। पहला है प्रशासन का संचालन। तो कार्यपालक का पहला काम है प्रशासन को चलाना। प्रशासन में कई तरह के काम आते हैं, रक्षा, सेना, व्यवस्था, बाह्य आक्रमण से रक्षा, आदेश का पालना करवाना, प्रशासकों की नियुक्ति, आंतरिक बाह्य प्रयोजन, राष्ट्रीय नीति का निर्माण आदि, ये सारे के सारे जो हैं प्रशासन के संचालन में आते हैं। दूसरा है कूटनीतिक कार्य यानी कि विदेशों के साथ हमारे जो संबंध है, राजदूत भेजना, राजदूत देना, संधियां करना, संधियां तोड़ना, संधि में संशोधन करना, और इस तरह के सारे काम जो है वो कार्यपालक द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है विधि निर्माण संबंधी कार्य यानी कि लॉ मेकिंग कार्य। विधि निर्माण कार्य में कार्यपालक का मेन हाथ होता है। कारण क्या है कि जो भी सरकार पावर में आती है वो अपनी विधि बनाती है, अपने लॉ और अपने नियम रूल्स बनाती है। तो जब वो विधि निर्माण का काम करती है, अपनी लॉ बनाती है, तो उसमें अपने उसकी पार्टी के हिसाब से या उनकी जो सोच आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से वो अपने जैसे कांग्रेस आती है तो कांग्रेस अपने हिसाब से, बीजेपी आती है तो अपने हिसाब से, कुछ ना कुछ वो अपनी आइडियोलॉजी जिसके कारण वो पार्टी को उन्होंने वोट दे के सेंटर में भेजा है या राज्य में भेजा है, तो वो अपने हिसाब से एजेंडा जो उनका मुख्य लक्ष्य होता है पार्टी का उस हिसाब से विधि का निर्माण करती है। और कार्यपालिका जो होती है वो शक्तियों के भंडार में जिस बात में सबसे अधिक योगदान दिया जाता है वो है प्रत्यायोजित विधान, यानी कि संसद कोई ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो हर तरह से पूर्ण हो। अतः कार्यपालिका विभागों को छोड़ दिया जाता है कि वो समय समय पर परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि जारी कर संसदीय विधायन के आवश्यक कार्य को संवर्धन और पूर्ति करें। चौथा काम है कार्यपालिका का न्यायिक कार्य। आधुनिक युग में कार्यपालक विभागों ने न्यायिक कार्य भी धारण कर लिए हैं। सभी देशों में राज्याध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपराधियों को क्षमा कर दे या उनकी सजाएं परिवर्तन करे या उनकी सजा कम कर दे। इस क्षमा का परमाधिकार कहा जाता है और यह प्रशासनिक न्याय की अवधारणा का विकास हुआ है, उसमें ये शामिल किया गया है। झगड़े को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल भी होता है, अन्य चीज़ें भी होती है, तो ऐसी शक्ति प्रदान कर दी है जिससे कि वह अपीली ट्रिब्यूनल का भी काम कर सकें। और ये जो चीज़ है इस कारण प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना भी की गई है। वित्तीय कार्य यानी कि सारे देश का आय का व्यय का लेखा जोखा जिसे हम बजट कहते हैं वो कार्यपालकों द्वारा विभिन्न राज्यों से मंगवाया जाता है और
ये राज्य का है तो विभिन्न जिलों से मंगवाया जाता है, जिससे कि एक समेकित बजट बने और उसमें जो टोटल आय हुई है उससे आप टोटल व्यय कितना करना है वो कार्यपालक और उसके जो अन्य साथी हैं वो मिलकर तय करते हैं। और उस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि उस कार्यपालक को ये पूरी तरीके से फिर मालूम पड़ता है कि अब किस प्रकार से हम ये सरकार में अब क्या करना है, कौन से विभाग को ज़्यादा जरूरत है, कौन से विभाग को कम जरूरत है और प्रायोरिटी यानी कि प्रमुखता किसको दी जाए। कई बार नियुक्ति होती है, नियुक्ति को प्रमुखता दी जाती है तो नियुक्ति होती है, कई बार डिमांड होती है। मान लो थानों में सारे राजस्थान में 20 पुलिस वाले भर्ती करने हैं, लेकिन सरकार सोचती है कि नहीं 20 पुलिस वाले करेंगे तो स्कूल के टीचर नहीं कर पाएंगे नियुक्त, तो 10 पुलिस वाले और 10 टीचर, इससे करके अलग अलग सरकार एक बैलेंस बना के रखती है। नेक्स्ट कार्य है विविध कार्य। विविध कार्य संगठन में संचार करना, संप्रेषण करना, लोगों की रिपोर्ट लेना, आवश्यक से सेवाएं देना, देने के लिए लोगों को बोलना, प्रतिनिधि लोकतंत्र की पूर्ति करना, प्रशासकीय लोकतंत्र की पूर्ति करना, यानी कि सारा कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक ही करते हैं, कार्यपालक ही सरकार चलाते हैं, कार्यपालक के नाम पर ही सब कुछ चलता है। तो कार्यपालक के बहुत विस्तृत कार्य हैं। अब हम करते हैं कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि का कारण, कि संसद में कार्यपालक बैठते हैं और अपोजिशन भी बैठती है, विधानसभा है वो विधानसभा, संसद है विधानपालिका है, तो उसकी शक्तियों में कार्यपालक की शक्ति क्यों हो गई ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कार्यपालक की शक्तियाँ हमेशा ही ज़्यादा होगी क्योंकि वो सरकार का अध्यक्ष है, सरकार का अध्यक्ष यानी कि बहुमत उसके पास है, जब तक उसके पास बहुमत है संसदीय प्रणाली में तब तक उसकी सरकार चल रही है। तो ये बहुत साधारण सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये कार्यकाल पालिकाओं की शक्ति का वृद्धि होना संसदीय लोकतंत्र में की आवश्यक बात है, कि प्रधानमंत्री सब सर्वोपरि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि बहुमत की सरकार उसके पास होती है। दूसरी बात केंद्रीकरण, जिन जिन जगह पर केंद्रीकरण है, जिन इलाकों में, जिन विषयों में केंद्रीकरण है, केंद्र की चलती है, वहाँ तो सरकार जो सेंट्रल सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, जो कार्यपालक है, जो उसके मंत्री है, उन्हीं की चलेगी और उनका पावर बहुत असीमित, बहुत ज़्यादा होती है पावर। और वे कहते हैं कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सिवाय एक लड़के को, लड़की और लड़की को लड़ने करने के अलावा कुछ भी कार्य उसके लिए संभव है, यानी कि कोई भी कानून बना सकता है। तो इतना सर्वोपरि, इतना सर्वोच्च पावरफुल आदमी कहा गया है वो, तो ये जो है केंद्रीकरण के कारण और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। समाजवाद, समाजवाद में आधुनिक युग में महत्वपूर्ण समाजवाद के एक सिस्टम आया है, तो लोक कल्याण के राज्य का भी एक आंदोलन का एक प्रकार है। प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि राज्य उसका अधिक से अधिक लाभ करे, बेरोजगारी, आर्थिक प्रतिबंधता, उच्च जीवन शैली और ये सब देने के लिए समाजवादी सरकार, समाजवाद और इनका प्रतिपादन हुआ है। और सभी सरकारें आजकल कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में नौकरी देने में पूर्णतः तत्पर है और लोगों को खुश करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय संकट और गृह संकट दोनों में ही केंद्र सरकार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो कार्यपालिका का पावर में वृद्धि हुई है। नेतृत्व की आवश्यकता, यानी कि प्रधानमंत्री में नेतृत्व तभी तो वो चमत्कारिक है, चाहे आप इंदिरा गांधी जी को देख लो, चाहे आप कोई सा भी वो देख लो, हर व्यक्ति और आज के ज़माने में हर प्रधानमंत्री वो अपने उसका, चाहे मनमोहन सिंह जी ने दिया, मोदी जी ने दिया या पहले नेहरू जी ने दिया, सब लोगों ने अपने टाइम में नेतृत्व दिया और वो उनकी इमेज बहुत भारी इमेज है। प्रधानमंत्री की इमेज जो है पूरा देश, पूरा राष्ट्र उसको फॉलो करता है, तो उसकी इमेज इस तरह से होती है, तो उसकी आवश्यकता है, तो उस कारण भी कार्यपालिका की शक्तियाँ वृद्धि हुई। संचार एवं आवागमनों के साधनों का विकास होने के कारण हम लोगों को मालूम हुआ कि ये हमारा प्रधानमंत्री है, ये बोल रहा है, सच बोल रहा है या क्या बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम अगले उसमें उसको वोट देते हैं। और राजनीतिक दलों का विकास, जब राजनीतिक दलों का विकास हुआ तो राजनीतिक दलों का जो हेड हुआ, तो ये मान के चलिए कि सारे की सारी जो नेतृत्व है और जो राजनीतिक दलों का हेड है, जो राजनीतिक दलों के नेता बनना चाह रहे हैं, उन सब का एक ही रीजन है बनने का, कि वे पूर्णतया गवर्नमेंट को कंट्रोल करें। और इस कारण वो इतने दुर्गम इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे गर्मियों चाहे सर्दियों इलेक्शन लड़के
और किसी प्रकार से भी वो अपने कैंडिडेट को जिताते हैं और जिता के फिर यदि केंद्र में लाते हैं तो कार्यपालक डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीतने वाली बहुमत वाली सरकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हारने वाली सरकार का मतलब ये है कि उसको लोगों ने कम वोट दिए या कम लोगों ने चाहे। दूसरी जो सातवें जो पॉइंट है वो है व्यवस्थापिका की शक्तियों का राज। व्यवस्थापिका स्वयं भी, क्योंकि व्यवस्थापिका जो चाहती है वो कार्य कर नहीं पाती, सारा कार्य कार्यपालक कर जाते हैं, जो संशोधन चाहती है वो भी कार्यपालक नहीं करता मान लो, तो फिर वो कार्य व्यवस्थापिका का क्या यूज़ रहेगा जब कार्यपालक उसकी बात मानते ही नहीं। तो हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे, ये सब चीज़ों में कारणों में कार्यपालिका मेन शक्ति बनकर उभरी है। आज ये वीडियो इतना ही बेटा, फिर कल करेंगे बाकी।